19 में हम पिटे, 21 में हम 6 लोग जेल गए हैं, तो हमने कुछ पाया है। और जो सबसे बड़ा हमारा मंदिर पूरे विश्व की धरोहर आज रविदास मंदिर है हमारे, जिनमें रविदास जो लोग आस्था रखते हैं, 40 करोड़ की आबादी जो सतगुरु रविदास जी को मानती है, जिसकी शुरुआत से साथी हो रविदास जी से होती है। अगर उस मंदिर को इन्होंने 19 से 20 हटाने का प्रयास किया गया, या जो जो दलाल लोग इस आंदोलन में घुस के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी चौंकने रहे साथियों। जो सजा दुश्मन को दी जाएगी, वही सजा गद्दार को दी जाएगी, क्योंकि ये मिशन, ये मूवमेंट हमारी आस्था, हमारे धर्म का है। अगर इसमें किसी ने भी कोई खिलवाड़ किया, चाहे केंद्र में बैठे 131 MP हों, चाहे साथियों 1000 कुछ विधायक पूरे देश में हों, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मंदिर वही बनेगा, लेकिन राम मंदिर की तरह नहीं कि राम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर हम वही बताएंगे और साथ ही 1 महीने तारीख भी बताएंगे, चाहे हमें मरना पड़े मिटना पड़े, लेकिन मंदिर का निर्णय इस महीने के जो महीना शुरुआत होने जा रहा उसमें ले लिया जाएगा। अन्यथा पूरे भारत से यात्रा निकलेंगी दिल्ली को आने के लिए। और जब हम देखते हैं कि दिल्ली या केंद्र के पास कितना सुरक्षित बल है, पुलिस बल है, कि वो हमें रोक पाएंगी, क्योंकि अगर उसमें लोग अगर आज जवान में भर्ती हैं, तो मेरे भी भाई हैं, मेरे भी बहनें हैं, कि जब आस्था से मामला जोड़ा जाएगा तो कोई भी केंद्र सरकार का एक मनोवादी व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि भारत का संविधान हर धर्म हर जाति को जीने का अधिकार देता है। लेकिन आज कुछ लोग हमारे अधिकार को, हमारे धर्म को हमसे छीनना चाहते हैं, हमें दबाना चाहते हैं, हमें कुचलना चाहते हैं, 5000 साल पुरानी मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, लेकिन ये इनकी भूल है। जब बाबा साहब अकेले थे, आज हर एक घर में बाबा साहब है, हर एक घर में अम्बेडकर है, हर एक घर में उधम सिंह है, तो हम लोग डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, लड़ेंगे और लड़कर अपना मंदिर वापस लेंगे। साथियों एक बात बताइए कि मिशन तुगलकाबाद और 96 बच्चों को लेकर कुछ आदमी यूथ राजनीति कर रहे हैं और ऐसा चाहते हैं वो जेल से ना निकलें, ताकि अगर वो जेल से निकलेंगे तो राजनीति हमारी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि जेल में बने रहें और जेल से राजनीति करें। देखिए साथियों, जो लोग इसमें राजनीति करना चाहते हैं, समाज से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। जिन लोगों ने समाज को दबाने का प्रयास किया, समाज ने उसे अपने पैर तले दबा दिया है। साथियों, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो उनकी भूल है, क्योंकि ये मामला हमारे धर्म हमारे आस्था से है। जो लोग ऐसा करेंगे उनका मुंह काला किया जाएगा, जूतों की माला होगी और गधे पे बैठाकर साथियों दिल्ली घुमाया जाएगा। लेकिन इस आंदोलन से राजनीति हम नहीं करने देंगे। और रही बात 96 लोगों की, साथियों जो लोग वकील हमारे जो वकील हमारे जुड़े हुए हैं, हम उन्हें बैकअप देने का प्रयास कर रहे हैं बार बार। आप लड़िए, अगर आपको कुछ भी सामर्थ्य की जरूरत है, तन मन धन से, तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन जो 96 लोग जेल गए हैं, उनके परिवार वालों को शांतिपूर्वक संतोषजनक बातें बताई जाएं साथियों। लेकिन 96 लोग बाहर आएंगे, उनके हम केस स्पंज कराएंगे, चाहे साथियों हमें कोई और अगर मिशन चलाना पड़ा, घर घर जाना पड़ा, घर घर लोगों को जगाना पड़ा, तो पूरे देश हम जगाएंगे, लेकिन उन लोगों को बाहर निकालेंगे। तुगलकाबाद में उस दिन जो प्रदर्शन हुई थी 19 तारीख को 21 तारीख को, वो लोग नज़र नहीं आए थे जो आज प्रदर्शन कर। देखिए साथियों, ये तो बड़ी बड़मना है। बाबा साहब ने कहा कि मरने के लिए गरीब के बच्चे जाएंगे, कि हर घर में उधम सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी घर में हो। साथियों, जो लोग 19 को नज़र नहीं आए, आज वो कहीं ना कहीं आह्वान कर रहे हैं, कोई बड़ा आंदोलन होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हमेशा मरता गरीब का बच्चा है। लेकिन आज गरीब ने ठान लिया है कि हम लोग क्रांति रोड पे भी करेंगे तो मंच पे भी करेंगे। जो लोग इंसान में बहुजन समाज की खाल में भेड़िए बने बैठे हैं, उनका जवाब हमने 19 को भी दिया और 21 में भी दिया, और आने वाले समय में हम देंगे साथियों, लेकिन राजनीति करने नहीं देंगे किसी भी। लगातार ऐसे सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि 21 तारीख को प्रदर्शन के लिए 40 से 50 लाख रुपये इकट्ठा समाज ने दिया था योगदान, लेकिन उस पैसे का अभी तक हिसाब नहीं मिल पाया, वो पैसा आखिर गया था? देखिए साथियों, जो आपने पैसा बताया मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर है तो जिस बैनर पे अभी तुगलकाबाद का आंदोलन चल रहा है, जो समिति के अध्यक्ष हैं, जो समिति बनी हुई है, उनसे आप जवाब लें, बात करें, और साथ ही उस पैसे के आप पूछ सकते हैं कि किन के पास वो पैसा है। हम लोगों ने 5000 वॉलंटियर युवा सखदल ने दिए, जो मंच की उगवाई में थे, रात दिन काम करा साथियों, घर घर गए, पोस्टर वायरल करे। लेकिन अगर पैसों का मामला आता है, तो जो हमने बार बार कहा कि ना तो उस मंच पे कोई नेता होगा, ना उस मंच पे किसी संगठन का बैनर होगा। तो जिस बैनर पे कार्यक्रम किया गया, तुगलकाबाद सगोदास समारोह समिति है, उन समिति के पास आया होगा, उन्होंने निर्णय लिया होगा, पैसा उनके पास है या नहीं है, वो आप समिति के जो अध्यक्ष हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, जो समिति के पदाधिकारी हैं उनसे पूछ सकते हैं, या जिन लोगों ने फंड दिया है उनसे आप पूछें, आपने वो कहाँ लगाया, उनसे बिल मंगाएं, उनसे लिखित में वो कार्रवाई लें। अन्यथा अगर वो लोग अगर घोटाला करते हैं, अगर हमारे संज्ञान में आता है, तो हम पूर्व में करते आए हैं, उनका मुंह काला करेंगे, बहिष्कार करेंगे। एक लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए, प्रदर्शन करके, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करके, रामलीला मैदान में प्रदर्शन करके, ये घटना के बाद समाज से लोग पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं,
समाज जो योगदान दें, कहाँ दें, कैसे दें, इसका थोड़ा जिक्र कर दीजिए। देखिए साथियों, मैंने जब लोग जेल गए थे, मैंने जेबी की वीडियो वायरल करी थी, मैं आपसे पत्रकार भोजन पत्रकार को विशेष से बधाई देना चाहता हूँ कि नेशनल मीडिया हमारी खबर नहीं दिखाती, उन दलालों को दिखाती है जो आरएसएस बीजेपी कांग्रेस के हाथ पे नाचने का काम करते हैं। लेकिन मैंने भोजन मीडिया के माध्यम से मैं बधाई दे रहा हूँ और इनके माध्यम से कहा था, ना तो 96 लोगों के लिए किसी को आप पैसा दें, ना 96 लोगों के नाम से कोई पैसे मांगने हैं, उसका मुंह काला करें, जूता मारें, क्योंकि जो बहुजन समाज के वकील हैं, जो जो बड़ी निष्पक्ष भावना से लगे हुए हैं, किसी ने एक रुपया नहीं मांगा, अपनी जेब से वकालतनामा लगा रहे हैं और लोगों को जेल से निकालने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर के जो प्रयास किए जाते हैं। साथियों, अगर कोई आपके सामने संगठन छलावा बन के पैसे मांगने आता है तो किसी को एक रुपया नहीं देना है, उनका मुकाला करना है। और साथियों, जो लोग पैसा मांग कर कहते हैं हम केस में लगाएंगे, तो उनको FIR करके मुकदमा करने का प्रयास करें। और अभी कोई किसी भी ने पैसा नहीं मांगा, ना पैसे की जरूरत है, हम सब लोग अपने अपने सक्षम है, बाबा साहब ने तो सक्षम हमें कर दिया है कि अपनी कमाई का 10% हम लगा सकते हैं। हमने भी 21-19 के आंदोलन में लगभग 1.5 लाख खर्चा हमारा आया, हमने किसी एक रुपया नहीं मांगा, ना मांगेंगे, क्योंकि हम इतने सक्षम है। और आपसे भी अपील, अगर कोई 96 लोगों को बेल के नाम से या मिशन तुगलकाबाद के नाम से पैसा मांगता है तो वो साथियों झूठा है, छलावा है, उसका विरोध करें, उसका मुकाला करें और साथियों समाज में उसको झूठा मानने का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।